भारतीय सिनेमा के कलाकारों को उनके योगदान और उनकी सिने साधना को सम्मानित करने के लिए दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से उन्हें नवाजा जाता है। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार भारतीय सिनेमा का सबसे बड़ा सम्मान है, जिसकी शुरुआत दादा साहेब फाल्के के जन्म शताब्दी वर्ष 1969 से हुई। भारतीय सरकार की ओर से ये सम्मान किसी व्यक्ति विशेष को भारतीय सिनेमा में उनके आजीवन योगदान के लिए दिया जाता है। देविका रानी से लेकर अमिताभ बच्चन जी तक अनगिनत बार हमने गौरव गाथा का ये झिलमिलाता अवसर देखा है, जब दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सितारों और कला साधकों का सम्मान हुआ। फ्रेंड्स, अगर आप ये सोच रहे हो कि ऐसा इंट्रोडक्शन मैंने क्यों दिया, क्योंकि आज मैं खड़ा हूँ दादा साहेब फाल्के जी के बर्थ प्लेस पे। और तो और, अब हम एक्सप्लोर करने वाले हैं दादा साहेब फाल्के जी का स्मारक। ये पांडवलेनी के बेस पर है। इससे पहले कि हम वीडियो पे जाएं, मैं सचिन, मेरे इस यूट्यूब चैनल जादू की जप्पी में आप सभी का स्वागत करता हूं। और चलते हैं अब हम वीडियो पे। फ्रेंड्स, अब हम पहुंचे हैं नासिक के फाल्के स्मारक और बुद्ध स्मारक में। देख सकते हो मेरे पीछे फाल्के स्मारक और बुद्ध स्मारक है। आपको फाल्के स्मारक जाना है तो यहाँ पे एंट्री फीस है, और बुद्ध स्मारक में आपको एंट्री फ्री है। तो अब हम फाल्के स्मारक का टिकट लेंगे। एक्चुअली फाल्के स्मारक मतलब अंदर गार्डन है और उनका फोटोज़ है। तो अब हम यहाँ से टिकट लेंगे और फिर हम एंटर करेंगे फाल्के स्मारक। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया कि अंदर जाने के लिए 10 रुपये का टिकट अनिवार्य है, तो हमने 10 रुपये की टिकट काटी और हम चले अंदर। आप अंदर आओगे तो आपको गार्डन मिलेगा, गार्डन काफ़ी अच्छा है। और आज हमारे साथ नासिक के संतोष अन्ना है, और इन्होंने हमको थोड़ा सा नहीं, काफ़ी मदद किया नासिक घूमने में। कल स्टे भी इन्होंने अरेंज कराया था। इनके पहचान के एक होटल में हम रुके थे, द लैंडमार्क। मैं उसके बारे में भी आपको डिटेल ऑलरेडी शेयर कर चुका हूँ, तो आप वहाँ पर भी जा सकते हो। इन्हीं के रेफरेंस से गए थे हम लोग वहाँ पर, और आप भी जाओगे तो आपको सर्विस ज़रूर अच्छा मिलेगा। हमें लगा अंदर आने के बाद हमको डायरेक्ट एंट्री मिलेगा म्यूजियम हॉल में, पर भाई साहब, हम तो चलते गए और ये रास्ता ख़त्म होने का नाम भी नहीं ले रहा। फिर हमें पता चला कि ये जो गार्डन है जिस पे हम चल के जा रहे हैं, ये 29 एकड़ में फैला हुआ है दोस्तों। तो ये रास्ता अब हम ख़त्म करेंगे और देखेंगे कि क्या क्या मिलता है। तो काफी देर चलने के बाद हम पहुंच गए दादा साहेब फाल्के मेमोरियल हॉल। तो दोस्तों, अब हम आए हैं दादा साहेब फाल्के वास्तु संग्रहालय। ये वस्तु संग्रहालय में आप देखोगे यहाँ पे इनके बारे में काफ़ी जानकारी दी हुई है, और हर इंडियंस को इनके बारे में जानना चाहिए। बहुत ही अच्छे अच्छे फोटोग्राफ्स हैं यहाँ पे। लेकिन संडे का दिन है और उसके बावजूद यहाँ पे कोई भी नहीं आया। यहाँ पे एंट्री फी है 10 रुपीज़, जो मैंने आपको बताया। मे भी एंट्री फी 10 रुपीज़ के कारण नहीं आया, क्योंकि बगल में एक गार्डन है जो फ्री है यहाँ पे, लेकिन कोई भी नहीं है, सिर्फ हम लोग हैं। आपको मैं दिखाऊंगा कि पूरा वस्तु संग्रहालय में सिर्फ हमें, काफ़ी अच्छा है। यहाँ पे काफ़ी सारे मूवीज़ के बारे में जानकारी दी है, सारे लीजेंडरी मूवीज़, बहुत ही अच्छा है। और आई विल डेफिनेटली रिकमेंड, अगर आप लोग अगली बार नासिक आ रहे हो तो प्लीज़ डू विजिट हियर। अगर आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा विजिट करोगे तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को बता पाओगे, माउथ टू माउथ पब्लिसिटी होगा, और उसके बाद यहाँ पे क्राउड बढ़ेगा। और बढ़ना चाहिए, क्योंकि ये सब जानकारी हर इंडियंस को होना चाहिए कि दादा साहब कौन थे, उनका क्या योगदान था फिल्म इंडस्ट्री के लिए। तो अगर आप यहाँ पर आओगे तो आपको काफ़ी सारी जानकारी मिलेगी, ज़रूर आइए। अब मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे दिखाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे आप कैमरा ला सकते हो, शूट कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, कोई पाबंदी नहीं है।
देख सकते हो मेरे पीछे फाउंटेन है और ये म्यूजिकल फाउंटेन है एक्चुअली, लेकिन अभी हमने वॉचमैन से इंक्वायरी किया कि इसका म्यूजिकल कब बजेगा, ये बोल रहे हैं कि अभी तक वो स्टार्ट नहीं हुआ है तो टाइम लगेगा उसको, मेरे ख्याल से और कुछ महीना जाएगा वो अभी भी उसका काम चालू है। तो हमको म्यूजिक तो नहीं मिला, बस फाउंटेन मिला। और मैंने आपको कुछ वीडियोज भी दिखाया जहाँ पे अंदर मिनी थिएटर भी है, बट मिनी थिएटर भी बंद ही था। आई गेस कुछ काम होगा या फिर थिएटर में कुछ होगा तब चालू होता होगा, बट हम गए तब बंद था। ओपन थिएटर भी था, काफ़ी अच्छा है। अब यहाँ के लोकल कैसे इसको यूटिलाइज करते हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। और हमने वो वस्तु स्मारक देखा दादा साहेब फाल्के जी का, वो बढ़िया था। और अब हम ये गार्डन से निकल रहे हैं, अब हम जाएंगे पांडव लेनी, पांडव केव, थोड़ा सा चढ़ना है यानी ट्रैकिंग करना है और आपको वहाँ ज्वाइन करता हूँ। तो नासिक के गर्मी में इतना घूमने के बाद तो हर किसी का गला सूखेगा, तो हम चले गए नींबू शरबत पीने। तो फ्रेंड्स, हम अपना आने वाला नेक्स्ट वीडियो भी यही से स्टार्ट करने वाले हैं और हम एक्सप्लोर करने वाले हैं पांडव लेनी यानी कि पांडव केव्स, और ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। सो गाइस, प्लीज डोंट मिस दैट वीडियो और अपना ख्याल रखो, तब तक चिल करो। और अगर अभी तक आपने मेरा वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई क्या ही कर रहे हो, सब्सक्राइब कर लो, अपना ख्याल रखो। टिल देन, बाय बाय।